हेलो एंड वेलकम टू एमडी पिक्सल्स। दोस्तों आज हम एक कैमरा ट्राइपॉड का हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये कैमरा ट्राइपॉड मैंने हाल ही में परचेज किया amazon.in से। ये जो है वो फोटोप्रो की ओर से है, मॉडल नंबर है S3। ये जो कैमरा ट्राइपॉड है वो हमें अमेजोन पर तीन कलर में हमें मिल जाता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर में मिलता है। तीनों तीन कलर की प्राइस रेंज जो है वो अमेजोन ने अलग अलग रखी है। जैसे कि रेड वाला जो है वो 3,300 के आसपास है, ब्लू वाला जो है वो 2,700-2,800 के आसपास है, और ग्रीन वाला जो है वो आपको करीबन 2,100 के आसपास या 2,300 के आसपास आपको मिल जाता है। और ये जो कैमरा ट्राइपॉड है वो करीबन 1.1 kg का है, और ये लोड कर पाता है 2.5 kg जो है वो लोड कर पाता है, और इसका मैक्सिमम हाइट जो है वो 1.44 cm है। ये ट्राइपॉड जो है वो बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी छोटा है, तो आपको कैरी करने में बहुत ही आसानी रहेगी। आप कोई भी बैग के अंदर आप यूज़ कर पाएंगे, आप इसको कोई भी बैग के अंदर आप तो इसको फिट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के साथ में एक उसका कैरी बैग मिलता है, और साथ ही साथ उसमें आपको एक मैनुअल कंपनी की ओर से दिया जाता है, इसमें सारी जानकारी जो है ट्राइपॉड की दी जाती है कि आपको कैसे यूज़ करना है उसको, और साथ ही में कुछ टूल्स दिए जाते हैं जो कि ट्राइपॉड के लेग्स को टाइट और लूज करने के काम में लिए जाते हैं। यहाँ पे हम कैमरा बैग देखते हैं, तो कैमरा बैग की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी दी गई है फोटोप्रो की ओर से, और काफ़ी प्रीमियम टाइप का जो कैमरा बैग आपको लगेगा, उसको आसानी से आप कैरी कर पाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पे आपको फोटोप्रो लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे करके लूज करने से ये ऐसे वर्टिकल घूमेगा, राउंड घूमेगा, और इसको टाइट करने से, और इसको ये जो है यहाँ जो है उसको राइट हैंड साइड जो है इसको ऐसे घुमाने से, लूज करने से ये ऊपर नीचे अप डाउन होगा। और इसको वर्टिकली घुमाने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा आपको, इसको आप घुमा देंगे तो ये जो है यहाँ से 360 डिग्री घूमेगा। ये जो सस्पेंशन है ये वाला, यहाँ ऐसे करना होगा आपको, और फिर इसको ऐसे घुमा के कैमरा को वर्टिकल कर सकते हैं। फिर से इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर से हम इसको जैसे थे इसको ऐसे करके इसी पोजिशन में ला सकते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल एंड राउंड, तो ये जो है
ट्राइपॉड ऐसे काम करता है, यहाँ पे उसका बैलेंस के लिए दिया गया है। और यहाँ जो है ये उसको ऐसे घुमा के आप ये बाहर निकाल सकते हैं, ये टूल्स हैं। इस आप इसको ये लॉक्ड हो गया, अब नहीं निकलेगा यहाँ से, तो बस इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे इसको लास्ट वाला है चाइल्ड और छोटा कर सकते हैं इस तो यहाँ पे एक पिन दिया गया है, ये जो है बटन दिया गया है, इसको ना आप दबा के ये पूरा जो पोर्शन है वो आप निकाल सकते हैं, देख के ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ से आपको प्रेस करना होगा और ये जो है बाद में आप इसको ऐसे भी हैंड यूज कर सकते हैं, आप इसे फिर से आप इसे ऐसे ही दबा के बस एडजस्ट करके फिर से आप लगा सकते हैं। दोबारा जैसे थोड़ा सा ही होगा, इसका जो फुल हाइट है करीबन इतना है।